हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और ये जो वीडियो है, मैं नवरात्रि के दिन, जो फर्स्ट नवरात्रि है उसके दिन ही मैं स्टार्ट करी थी, मतलब 17 अक्टूबर का वीडियो है ये। और उस दिन रात को मैं सिर्फ आलू पराठा बनाई थी। तो ये जो आलू पराठा है ये मैं बिना प्याज लहसुन के साथ बना रही हूँ। तो आलू पराठा के लिए मैं ये आलू बॉईल की थी और उसको अभी वो जो छिलका है वो निकाल रही हूँ। और आलू को ये सारे छीलने के बाद मैं उसमें ये स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर है, ये मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से लाल मिर्ची या फिर हरी मिर्ची आप ऐड कर सकते हो। और ये मसाले में जैसे कि ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, ये मैं एक छोटा सा जो टीस्पून कहते हैं उसी उसी में डाल रही हूँ। और साथ ही साथ ये धनिया का पाउडर है, ये भी मैं वही टीस्पून भर के डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये थोड़ा हरा धनिया का पत्ते जो है उसको ऐसे सीजर से कट करके डाल रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें जो है चाट मसाला वो ऐड करूँगी। चाट मसाला ऐड करने से थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आता है, थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर टाइप। इसको भी मैं हाफ जो टीस्पून है उतना ही ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे जो मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और क्योंकि मैं ये नवरात्रि के टाइम बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें कोई अनियन या फिर गार्लिक नहीं ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो अनियन और गार्लिक को, जो गाजर जिसमें घिसते हैं उसमें भी आप छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा घिस कर भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं आटा गूंद के रखी थी। आटा गूंदने के टाइम मैं उसमें थोड़ा सा देसी घी और नमक भी ऐड की थी, उससे थोड़ा पराठा सॉफ्ट बनता है। और ये जैसे भी आप अपने हिसाब से पराठा बड़ा या छोटा खाते हो उसी हिसाब से आटे का ये एक लोई लीजिए और उसमें ये आलू को ऐसे भर लीजिए और उसको अच्छे तरह से फील करना है, चारों तरफ से कवर करना है। अब मैं इसको अच्छे तरह से फिंगर के हेल्प से ऐसे प्रेस कर दूंगी ताकि अंदर का जो आलू है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए, जैसे कि ये अच्छे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको हम ऐसे प्रेस करके नहीं फैलाएंगे तो ये एक ही जगह पर रह जाएगा अंदर का जो मसाला है, और साइड में पराठे के जो साइड चारों तरफ नहीं फैलेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है। ये देखिए ये मैं कैसे अच्छी तरह से फैला ली। अब इसको जैसे नॉर्मल पराठा जो बेलते हैं उसी हिसाब से बेल लेना है। और फ्रेंड्स, ये नवरात्रि के टाइम पर मैं ज़्यादातर वीडियो लाऊंगी ऐसे ही, लाइक बिना प्याज लहसुन के। और आगे भी मैं बहुत सारा व्रत का जो खाना रहता है वो भी लाने वाली हूँ, लाइक साबूदाना के ऊपर, और जो भंडारे में जैसे खाना बनते हैं वैसे भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको ये दूसरा जो पराठा है वो बनाकर, मतलब थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने अच्छी अच्छी कमेंट करना ज़रूर मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, ये बातें करते करते ये मेरा जो पराठा मैं जो तवे पर डाली थी वो एक साइड अच्छी तरह से बन गया है। अब ये देखिए ये कितने अच्छी तरह से फूलने लगा है। इस तरह सब फूलने का मतलब ये है ये किसी भी तरफ थोड़ा सा भी छेद नहीं है इसमें। देखिए ये कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट भी बना है लग रहा है दिखने में से। अब इस स्टेज पर मैं इसमें जो घी है वो लगाकर इसको सेक लूँगी। मैं हमेशा देसी घी यूज करती हूँ। अगर आप देसी घी खाना नहीं चाहते या फिर पसंद नहीं करते तो आप रिफाइंड ऑयल जो है उसमें भी बना सकते हो, पर देसी घी से ज़्यादा टेस्टी लगता है ये।
ये देखिए मेरा आलू का पराठा जो है वो अच्छी तरह से बन गया है। अब मैं इसको आपको क्लोज लुक दिखा रही हूँ, मतलब जो मैं अंदर का जो आलू का मसाला है वो किस तरह से चारों तरफ से स्प्रेड हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छी तरह से फूल चुका था ये पराठा जो है, ये देखिए। और अंदर का जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से चारों तरफ फैला हुआ है। आप जो धनिए के पत्ते हैं उसको देखकर आपको पता चल रहा होगा। और ये मैं अपना प्लेट आपको दिखा रही हूँ, मुझे एक्चुअली बटर के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहो तो दही के साथ भी खा सकते हो, जैसे कि मेरे हस्बैंड और बेटे जो है वो दही के साथ खा रहे थे और मैं सिंपल ये बटर और थोड़ा खीरे के साथ खा रही हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्रत वाले रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।